नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे सरोकार में। मैं हूं आपके साथ नुसरत परवीन सिद्दीकी। हमारी आज की चर्चा है तनाव और हम। तनाव, जी हाँ, ये एक ऐसी बीमारी है कि इसमें व्यक्ति समस्त सुविधाओं को भोगते हुए भी सुखी नहीं होता, बल्कि यूं कहें कि उसे पल पल जिंदगी नीरस लगने लगती है। मनोरोग विशेषज्ञों की माने तो ऐसे लोग आत्महत्या जैसा घातक कदम भी उठाने से नहीं चूकते। स्ट्रेस या तनाव कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो, लेकिन जरूरत है समय रहते इसे पहचानने की और इसे बचाव के उपाय ढूंढने की। लाइफस्टाइल में थोड़ा सा बदलाव लाकर और उचित उपचार से इसे आसानी से ठीक किया जा सकता है। देखिए हमारी रिपोर्ट। 10 में से 2 व्यस्क हर दिन रहते हैं तनाव और बेचैनी में। 24% महिलाएं, पुरुष को हर महीने महसूस होता है तनाव। 71% लोगों को पैसे का रहता है तनाव। 69% लोगों को काम का होता है तनाव। 59% लोगों को इकोनॉमिक का रहता है तनाव। लगभग आधे व्यस्क 49% का मानना है तनाव के चलते धैर्य खो वो अपने पार्टनर या बच्चों पर निकालते हैं गुस्सा। तनाव से निपटने के लिए रखें सकारात्मक सोच, सच्चाई को करें स्वीकार और स्ट्रेस से बचने के लिए ले रात को पर्याप्त नींद। हर रोज व्यायाम से स्ट्रेस से निपटने में मिलती है मदद। योजनाबद्ध तरीके से करें काम, आसपास का भी रखें ध्यान, खुद से करें प्यार, रोजमर्रा के काम से ले थोड़ा ब्रेक, व्यायाम दिलाए आराम, शांत रहें, आराम करें, अपने बारे में जागरूक रहें, उचित पोषण भी लें। क्या है तनाव और आपकी सेहत में संबंध? और इसी सब पर हमारी चर्चा, हमारे साथ मेहमान शामिल है इस चर्चा में, उनसे आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ शिवराज कुशवाहा जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, बहुत स्वागत है शिवराज जी आपका। सोनम छतवानी जो कि मनोवैज्ञानिक है, बहुत स्वागत है सोनम जी आपका। और साथ है ममता पवन गुरु जो कि योगाचार्य है, बहुत स्वागत है ममता जी। सबसे पहले सोनम जी आपसे समझना चाहेंगे, जैसा कि हम तनाव की बात कर रहे हैं और एक चीज ये कि इसको बीमारी के तौर पे देखा जाता है, क्या मानना है आपका? तनाव एक बहुत कॉमन सी चीज है, अगर वो नहीं हो, जैसे हमने बहुत नॉर्मल तरीके से भी देखे तो तनाव नहीं होगा तो आप कोई काम करेंगे नहीं, आपको स्ट्रेस होगा ही नहीं, तो आप नेक्स्ट पोजिशन के लिए, मान लीजिए कल मेरा एग्जाम है तो मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस होगा तो मैं एग्जाम के लिए प्रिपरेशन अच्छी करूंगी, क्योंकि सोसाइटी में उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट करके इस तरीके से दे दिया कि तनाव होना ही नहीं चाहिए, उसके लिए आपको ये करना चाहिए। वो एक गलत परसेप्शन के कारण कई लोग तनाव को ज्यादा महसूस करने लगते हैं सिर्फ सोच के बलबूते पे, हालांकि एक उसका होना जरूरी है। वहां अगर जैसे मान लीजिए फियर है, मुझे डर लग रहा है किसी चीज से, तो डर भी स्वाभाविक है ना, एक इमोशन है हमारा, तो डर नहीं होगा। मान लीजिए मुझे सांप से डर लग रहा है तो वो स्वाभाविक सा फियर है, अगर मैंने उसे एक्सेप्ट, मैं वो चीज नहीं रखूंगी तो मैं कमरा छोड़ के नहीं जाऊंगी। इसी तरह हमें हमारे इमोशंस को बैलेंस करना आना चाहिए, वहां की इक्वेशन है। जनरल परसेप्शन में उसे गलत दिखा के एक गलत स्ट्रोक दे दिया गया है सोसाइटी के द्वारा। एंड नॉर्मली जब लोग आते हैं तो वो बहुत लेबल्ड होके आते हैं कि हम बहुत स्ट्रेस में हैं, हमसे बाहर नहीं निकलते बन रहा, हालांकि सारे सॉल्यूशंस उनके पास होते हैं। कभी कभी तो उनको काउंसलिंग की जरूरत ही नहीं होती, सिंपली अगर आप देखें तो बोल के ही वो लोग ठीक हो जाते हैं, क्योंकि वो सोल्यूशन जानते हैं उस चीज का। पर कई बार ये देखा जाता है कि उसको बहुत ज्यादा ओढ़ लेते हैं लोग अपने ऊपर तनाव, मतलब उनको लगता है कि बस हर चीज का तनाव है, कहीं कोई खुशी नहीं है, तो क्या तनाव जरूरी है या उसको आप, जैसा कि आपने कहा कि किसी भी बात को अगर तनाव नहीं होगा तो उसको सही तरीके से नहीं किया जा सकता, तो क्या उस चीज को, उस बात को, उस वजह को चैलेंजिंग बना लिया जाए और तनाव को दूर रखा जाए, क्या ये सब इस तरह की कोशिश करना? जी आप चैलेंज कहें या चेंज कहें, जब चेंज आने वाला है उससे पहले डर तो लगेगा। अगर आपको बहुत डर लग रहा है और आपकी इन्वायरमेंट, आपकी कंडीशनिंग इस तरीके से है कि आप उस जगह को छोड़ के चले जाएंगे या फिर आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे तो आप उस एनवायरनमेंट से बाहर निकल आते हैं। इसको दो रूप में ले सकते हैं ना, एक सकारात्मक बात करें अगर पॉजिटिव सोच के साथ इसको लें तो मुझे लगता है बेहतर होगा। कई बार ऐसा होता है कि कई चीजों को लेकर थोड़ा सा लोग नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं और उससे वो पूरा अपना लाइफस्टाइल स्पॉइल कर लेते हैं। मान लीजिए छोटा सा तनाव भी आपको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स की तरफ ले जा सकता है,
छोटा सा तनाव आपको डिप्रेशन की तरफ ले जा सकता है, अदर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं स्ट्रेस की वजह से. अब लाइफस्टाइल बैलेंस की बात करते हैं, वेलबींग की बात करते हैं, हम अगर उस व्हील को प्रॉपर रखेंगे तो कोई भी चीज होगी नहीं उस तरीके से. सही तरीके से, सही मायने में अगर समझे कि इसकी परिभाषा कम शब्दों में तो क्या? ओवर थिंकिंग करने लगे हैं लोग, और किसी भी चीज को बहुत ज्यादा खींच देना, बोलते हैं ना जैसे इररिलेवेंट चीजों पे सोचना, इररेशनल थॉट्स देते जाना, उस चीज के ऊपर लोग ज्यादा फोकस करते हैं, इनमेच्योर डिसीजंस होते हैं कभी कभी. शिवराज जी आपसे समझना चाहेंगे कि जैसा कि अभी सोनम जी ने बताया कि इसको एक चैलेंज, एक सोच, सकारात्मक सोच के तौर पे ले तो अच्छा है, और बाकी ये चीज़ें तो तकलीफ दे ही होती हैं. आपका क्या मानना है, लोगों में जो इस तरह की सोच, जो इस तरह का तनाव लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है, उसके पीछे क्या कुछ वजह, क्या लोगों का कहना है इसको लेकर? देखिए, तनाव के पीछे यदि मैं बात करूँ तो एक प्रेशर कह सकते हैं. प्रेशर मतलब मैं, मेरा खुद का नहीं, व्यक्ति का खुद का नहीं, मगर अलग अलग तरीके में हम स्कूल की बात करें तो बच्चे स्कूल के टीचर्स को लेकर तनाव में रहते हैं, अपनी पढ़ाई को लेकर रहते हैं. एक मार्केटिंग के व्यक्ति की बात करें तो उसका टारगेट कि यार मुझे इतना सेल करना ही था लेकिन नहीं हो पाया, अभी मैं क्या करूं, प्रमोशन शायद रुक जाएंगे. एक आम व्यक्ति की बात करूं या मजदूर की बात करूं, उसे घर की टेंशन कि यार मेरे बेटे को पढ़ाना है, बेटी की शादी करनी है, या घर के खर्चे कैसे मेंटेन करूं, तो इन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर भी वो बहुत तनाव में आ जाता है. तो तनाव को लेकर हम अलग अलग कैटेगरीज में जरूर कह सकते हैं कि एक खुद के ऊपर प्रेशर तैयार करना और एक सामने वाले व्यक्ति की तरफ से देना, दोनों चीज़ें ही बहुत हार्मफुल है. और इसमें एक चीज़ कहूँगा, जो चूँकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि नशा मुक्ति अभियान को लेकर मैं काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ, तो लोग ऐसी चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर कर लेते हैं कि अरे यार मुझे बहुत टेंशन है, चलो एक सिगरेट पी लेते हैं तो टेंशन दूर हो जाएगा, शराब पी लेते हैं तो टेंशन दूर हो जाएगा. तो ये एक गलत धारणा बना के रखी, जबकि बहुत अच्छे तरीके हैं इसको छोड़ने के लिए कि हम कैसे छोड़ें. हमारे साथ में योगाचार्य भी बैठी हैं, वो बताएंगे. लेकिन जरूरी नहीं कि सभी योगा करें, तो हम अपने आप को इंगेज कर सकते हैं शायद फैमिली के साथ बातचीत करके, कहीं घूम के, बहुत सारे ऐसे इशू हैं जी. ममता जी, जैसे कि अभी शिवराज जी ने भी कहा कि योगा के थ्रू भी जो तनाव है उसको कम किया जा सकता है, तो योग सकारात्मक सोच लाता है, सकारात्मक विचारों का प्रवाह योग कराता है. तो जब हम प्रॉपर योग करते हैं, प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, और एक हम उस ऑरे में जब हम बैठ करके पूरा योगाभ्यास करते हैं, तो जो हमको उसके मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, जो पॉजिटिव वेव्स मिलती हैं, वो हमको जो ऑरा मिलता है वो बहुत इफेक्ट करता है. और जिस प्रकार से अगर इस जो ये कंडीशंस होती हैं तनाव की, वो कहीं ना कहीं कारण होता है कि अपेक्षाएं आजकल बहुत बढ़ गई हैं लोगों की, चाहे वो बच्चे हों या कोई भी एज ग्रुप हो. वो अपेक्षाएं जब पूरी नहीं हो पाती हैं तो तनाव का कारण एक बनता है, और जब कोई रास्ता नहीं मिलता है तो नेगेटिविटी बढ़ती जाती है. तो वो जब हम योग करते हैं तो उससे हमको इसमें बहुत रिलीफ मिलता है. साथ ही योग में बहुत सारी चीज़ें, मेडिटेशन है, ध्यान है, अंतर्मन ध्यान है, बहुत सारी, मतलब योग तो पूरा ही सकारात्मक है, तो अगर हम करें तो उससे हमको बहुत रिलीफ मिलता है. कुछ ऐसा तरीका जो चलते फिरते चीजें अंतर्द्वंद एक चलता रहता है लोगों के मन में, ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, उस तरह की चीजें रहती है, उसको लेकर भी एक तनाव दिखाई देता है कई बार. अब आज के माहौल की बात करें तो कई बार चेहरे पर ही समझ में आ जाता है कि ये आदमी, इसके चेहरे पर तनाव है, मतलब किसी बात को लेकर वो तनाव की स्थिति में है. तो इस तरह की चीजें चलते फिरते, योग के लिए तो एक समय, मेडिटेशन के लिए एक समय होता है, पर चलते फिरते क्या कुछ तरीका है इसको कि इस तनाव से बचा जा सके, ध्यान हटा दिया जाए उस तरफ? बिल्कुल है, कुछ हमारे जो मंत्र जाप हैं, यदि आप उनको अपना सकें तो वो करें, नहीं तो हमारा जो स्वर योग है, जो हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वो तो हर व्यक्ति कर ही रहा है उसको. अगर हम उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें, गिनती हमें उल्टी करनी है, 50 से हम एक की तरफ आएंगे, इस तरीके से करेंगे तो हमारा ध्यान बटता है, ध्यान बट करके और हम सोच में परिवर्तन इसमें हम ला सकते हैं जी. सोनम जी, जैसा कि हमने अपने रिपोर्ट में भी दिखाया कि कई ऐसे लोगों का ऐसा मानना है कि तनाव के चलते वो या तो अपने पार्टनर या अपने बच्चों पर झल्लाते हैं, चिल्लाते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, तो क्या इस तरह की चीजें के पीछे भी वजह तनाव ही है, या इस तरह की चीजें उनको कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ तरीका?
हो कि जाहिर सी बात है कि जब एक तनाव की स्थिति रहेगी किसी इंसान पर, तो वो अपने उस तनाव को दूर करने के लिए कुछ तरीका, जैसा कि कई लोगों के पास बहाने, शिवराज जी ने भी कहा कि हम अपने तनाव को दूर करने के लिए ये करते हैं वो करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें, कई लोगों का ये कहना है कि हम गुस्से में हैं या तनाव है हमारे ऊपर, बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर है, तो हम उसको दूर करने के लिए अपने, जब गुस्सा निकलता है तो सामने वाले पर निकल जाता है। लाइफ स्टाइल चेंजेस हैं, हम बहुत तेज़ी से अपने आप को मॉडर्न कहते हैं, एक्सपर्ट कहने लगे हैं बहुत सारी चीज़ों में। यहाँ पे एक ड्रॉबैक है कि फैमिली सिस्टम को आप देखें तो हम लोग सब अकेले हो गए हैं। अभी आप रीसेंट रिपोर्ट्स देखेंगे, जो मेट्रोज में रिपोर्ट देखेंगे आप, स्पेशली मेट्रोज, वहाँ पे लोग लोनलीनेस के शिकार हो रहे हैं, वो अकेले रह रहे हैं, वो पड़ोसी से बात नहीं करते, वो किसी से बात नहीं करते। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी, हमारा बेस्ट टाइम क्या है, हम दोस्तों के साथ रहते हैं, बात कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, शेयरिंग इज केयरिंग बोलते हैं ना, हम शेयर कर लेते तो हमारी केयर ऑटोमेटिकली हो जाती है। आई जस्ट रिमेम्बर लास्ट वीक हमारे पास एक केस आया था, द चाइल्ड वॉज पूरा ड्रिंक करके आए थे वो, उन्होंने ब्राउन शुगर भी लिया हुआ था, ड्रग कंज्यूम किया हुआ था, सिगरेट भी पिया हुआ था, वो इतने स्ट्रेस में थे कि वो ये कह रहे थे कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया है, तो अब मुझे उस लड़के को शूट करना है, मुझे मारना है, मतलब देयर वाज अ डिसीजन मेकिंग कि मैं उसे जाके मारूंगा ही। तो देयर आर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑल्सो, क्राइम होगा, क्राइम के पीछे अगर आप देखें, छोटा सा स्ट्रेस था कि मुझे उस लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, अब उस प्रेशर को पॉजिटिवली वो बच्चा अगर डील कर लेता वहां पे, और उसके खुद के एक्सपेक्टेशंस कि मुझे रिजेक्ट कैसे किया, तो उसको अचीव करने के लिए ही वॉन्ट्स टू हार्म समबडी एल्स। और अगर हम रिलेशनशिप्स में देखें जहाँ हस्बैंड वाइफ आते हैं, वहाँ पे वो कॉमनली बात करते हैं तो घरेलू हिंसा की बात कर लें, तो खुद में अगर प्रॉब्लम रही होगी पहले से कोई, आपके मान लीजिए बहुत ज़्यादा आप तनाव में हैं, तो वायलेंस भी होता है, वो वाइफ को मारते भी हैं, तो वो खुद भी एडमिट करते हैं कि मैंने इसलिए मारा था कि मेरी खुद की पोजीशन अच्छी नहीं है, मेरा कम्युनिकेशन मेरे पेरेंट्स से अच्छा नहीं है। तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन बैक में अगर उनका प्रॉपर हो जाए, उनने मान लीजिए कोई चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स थे और अपने फादर से सॉर्ट आउट कर लिए होते, तो उनको ये कॉन्सिक्वेंसेस देखने ही नहीं पड़ते। अब इस आफ्टर काउंसलिंग जब वो जाके बात करते हैं तो कहते हैं, ओ माई गॉड, ये काम तो मुझे पहले करना चाहिए था, आई एम फीलिंग सो हैप्पी, बात ही कर ली तो मैं रिलीफ हो गया, मेरे सारी चीज़ें ठीक हो गई। सो टाइम, किस टाइम पे वो चीज़ हो रही है, कैसे हो रही है, द कम्युनिकेशन गैप अगर आप देखें तो बहुत बढ़ गया है। लोग उस गैप को, बात नहीं करनी तो नहीं करनी, कई दिनों तक नहीं करते, वो टाल देते हैं उसको, नहीं क्या हो गया, वी आर मॉडर्न, हम आगे बढ़ेंगे, हाँ तुम बहुत ठीक हो, यू बिकम पॉजिटिव। आप किसी को भी बोलते रहिए पूरा दिन, तुम पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, क्या वो पॉजिटिव फील कर रहा है, वही चीज समझना चाहते हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जी। जैसा कि बहुत आसान होता है सलाह देना, सुझाव देना, कि जब कभी किसी पर कोई परेशानी होती है तो जाहिर सी बात है कि उसको लेकर वो तनाव आ ही जाता है ना चाहते हुए, पर सामने जो लोग होते हैं वो अक्सर यही कहते हैं कि अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ जी। तो सकारात्मक सोच को किस तरह अपने ऊपर अमल किया जाए, कैसे मतलब शामिल करें उस सोच को अपनी जिंदगी। बहुत सारे इमोशंस हैं हमारे बहुत सारे इमोशंस होते हैं। कई बार हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं जहाँ, एग्जांपल के तौर पे देखें, किसी का अब्यूज हुआ बचपन में, सेक्सुअल अब्यूज हुआ, तो पेरेंट्स कई बार कह देते हैं कि भूल जाओ, कोई बात नहीं, कजन ही तो था, भूल जाओ। अभी थोड़े दिनों पहले एक टेंथ का एग्जाम प्रेशर है, मैं कर नहीं पा रही हूँ, तो पूरा रिलेशन उसके चाइल्डहुड से निकला, अब्यूज हुआ था, परेशानी हुई थी, इसलिए उसको ऐसा अनईजी फील हो रहा था, देर वॉज अ पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस था वहाँ पे, तो वो बच्चा इनसिक्योर फील कर रहा था, सो नहीं पा रही थी। आप उसे कहेंगे एक मिनट में भूल जाइए, पॉसिबल नहीं है। जब उन्हें रैशनल आंसर मिलते हैं कि हम उसको एक्सेप्ट कैसे करें सिचुएशन को, हम वहाँ अपने एक इमोशन को, जो बहुत कड़वा इमोशन रहा, उसको पॉजिटिव इमोशन से कैसे रिप्लेस करें, दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट वन हैज टू डू। आपको बहुत तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ हुई, आप बार बार उस तकलीफ को रिपीट करते जा रहे हैं, तो आप उसी मोमेंट में जीते हैं। आप ऐसे लोगों से मिलें, स्पेशली जब आप तनाव महसूस कर रहे हैं, तो ट्राई टू अवॉइड द पीपल जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी भरते हैं, ट्राई टू मीट द पीपल जो आपको आगे की तरफ ले जाएं, ना कि पीछे की तरफ ले जाएं। मोस्ट ऑफ द टाइम कहते हैं, अच्छा, ओ हो हो, दे गिव दिस टर्म, वो और बेचारापन भर देते हैं उनके अंदर, तो वो चीज़ एक्सीड होते चले जाती है। तो ट्राई टू मीट द पीपल जो आपको बहुत पॉजिटिव रखें, अच्छे लोगों से मिलें, अपना लाइफस्टाइल प्रॉपर रखें। आप लाइफस्टाइल से बहुत फर्क पड़ता है, आप किसी से अगर पूछें जो स्ट्रेस में, आप खाना कैसे खाते हैं, आपकी मॉर्निंग कैसे स्टार्ट होती है, मैडम वो पहले जैसी नहीं है, पहले मैं पूजा करता था, आजकल पूजा करना ही मैंने बंद कर दिया। सो सब चीजें हैं, लाइफस्टाइल बैलेंस करेंगे तो इट कैन बी मैनेज्ड वेरी नाइसली।
शिवराज जी, तनाव की बात की थी आपने और दूसरा नशे की बात की थी। कई लोग इस बात को कहते हैं कि हम अपने गम को गलत करने के लिए इस शराब का सहारा लेते हैं, नशे का, इस तरह की चीज़ों का सहारा लेते हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या इस तरह की चीज़ें सोचना इंसान के लिए, जाहिर सी बात है सेहत के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, सेहत की बात करें या किसी और की भी बात करें तो अच्छी तो नहीं है, पर ज़्यादातर क्या वजह ये होती है कि तनाव के चलते इससे कहीं कोई छुटकारा मिलता है इस तरह की चीज़ों से? ये कहना तो बिल्कुल गलत है कि तनाव में हैं तो शराब पी लेंगे, सिगरेट पी लेंगे या और दूसरे नशे की चीज़ें ले लेंगे तो तनाव ख़त्म हो जाएगा। बेसिकली यदि हम इसके पीछे जाएं तो एक इनका आदि होना कहेंगे हम कि हाँ, मैं शराब का हैबिचुअल हो गया हूँ, सिगरेट को मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं नए नए बहाने ढूंढ रहा हूँ कि यार मुझे ये टेंशन था तो सिगरेट पी लिया है, मुझे ये टेंशन था तो शराब पी लिया है। आपने देखा होगा कि कई बार लोग खुशी में भी पीते हैं और गम में भी पीते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि तनाव को कम करें। हाँ, तनाव को यदि हम बात कर रहे हैं कि कम करना है तो शेयरिंग हमको ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी। मुझे आज कोई प्रॉब्लम है और मैं मेरी फैमिली में बात नहीं कर पा रहा हूँ, मैं दोस्तों से बात नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने टीचर से बात नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर तनाव तो वो बना रहेगा। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि इन नशे की चीज़ों पर जाने से अच्छा है कि मैं अपनी चीज़ों को शेयर कर लूँ जिससे कि वो थोड़ा कम हो जाए। कहते हैं ना कि रोने से भी बहुत सारी चीज़ें खत्म हो जाती है, तो वैसे ही तनाव का है कि जब तक हम शेयर नहीं करेंगे किसी से अपनी बातें तो वो खत्म नहीं होगी। मतलब ये कोई जरिया नहीं, ये कोई तरीका नहीं कि अपने तनाव या अपनी तकलीफ को दूर करने के लिए आप किसी दूसरी तकलीफ को ओढ़ लें। बिल्कुल। ममता जी, आपसे समझना चाहेंगे, जैसा कि पोषण की भी बात है कि सही तरह से खान पान की कमी तो है, काम के चलते लोग वक्त नहीं देते कि जो उनका उचित समय है भोजन करने का, या रात का खाना, सुबह का खाना, सुबह का नाश्ता, इन सब चीज़ों को वो कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं, तो इसमें क्या कुछ तनाव भी इसकी वजह हो सकती है? बिल्कुल, जिस तरह का संतुलित जो दिनचर्या है उनकी खान पान को लेकर वो भी कहीं असंतुलित हो रही है। बिल्कुल, क्योंकि लाइफ स्टाइल अगर आपका डिस्टर्ब है और असंतुलित है, काम का भी लोड ज़्यादा है और खाना भी आप समय से नहीं ले रहे हैं, तो एनजाइटी, डिप्रेशन, ये चीज़ें इस तरफ हम बढ़ते हैं, बीपी भी शूट अप होने लगता है और बहुत सारे बैकग्राउंड रीज़न है, शुगर हो गई, ये हो गया, तो फिर एक मेंटल प्रेशर और बढ़ता चला जाता है। तो वहाँ पर अगर हम अपने रूटीन को सुधार लें और अपना खाने का तरीका बदल लें, मतलब बहुत भारी खाना ना खा के हल्का खाना खाएं और थोड़े थोड़े ब्रेक से खाएं, तो हमारा, हमको न्यूट्रिशन भी प्रॉपर मिलेगा और बॉडी लाइट भी फील करेगी और स्ट्रेस रिलीफ भी हमको होने में हेल्प मिलेगी, साथ ही हमारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं मेडिकल उसको भी सॉल्व करने में हमको हेल्प मिलती है। तो न्यूट्रिशन ऐसा हो, डाइट ऐसा हो कि स्प्राउट्स उसमें इंक्लूडेड हों, जिसमें हमको मल्टी न्यूट्रिएंट्स मिले, मील हम एक ले रहे हैं, छोटा ले रहे हैं, लेकिन हमको उसमें मल्टी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो हम अपने आप को ज़्यादा अच्छे से तैयार कर पाते हैं किसी भी डिजीज के अगेंस्ट में और अपने को, बॉडी को फिट और फाइन रखने में। बिल्कुल। सोनम जी, तनाव, स्ट्रेस की बात करें और डिप्रेशन की, इसमें क्या फर्क है? इट इज अ सिवियरिटी, डिप्रेशन सिवियरिटी है। आप बहुत सोच रहे हैं मैं अच्छी नहीं हूँ, मेरी सेल्फ वर्थ नहीं है, मैं खराब हूँ, मैं बहुत खराब हूँ, मैं बहुत खराब हूँ, कंटिन्यू आप पूरा टाइम अगर यही सोच रहे हैं और आप उसको एक्सीड कर जाएंगे, स्ट्रेस एक्सीड कर जाएगा, देन इट इज अ डिप्रेशन। और सैडनेस और डिप्रेशन में लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते मोस्टली केसेस में। जब केसेस हमारे पास आते हैं, हम पूछते हैं आर यू सैड, आर यू डिप्रेस्ड, तो उनके पास आंसर होता है येस आई एम डिप्रेस्ड, पर मैंने कभी ये सोचा नहीं कि मैं सैड हूँ। तो जनरल जो टर्मिनोलॉजी हमारे मीटिंग्स में जो लोग मिलने लगे एक दूसरे से, आप देखिए छोटे छोटे बच्चे ममा आई एम डिप्रेस्ड बहुत जल्दी यूज करते, दे नेवर से कि आई एम सैड। तो सैडनेस जो टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने स्टार्ट किया, स्पेशली वी शुड स्टॉप यूजिंग दैट, हमें थोड़ा कम यूज करना चाहिए और समझना चाहिए कि सैडनेस हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता। सो इट्स अ डिग्री, आप करते जाएंगे, रहेंगे अकेले, रहने लगेंगे, लोनलीनेस बढ़ जाएगी, कई लोग अपने आप को रूम में लॉक कर लेते हैं, कई दिनों तक बाहर नहीं आते, बात नहीं करते, अवॉइड करते हैं, तो दीज आर द सिम्टम्स वेयर हम कैच कर सकते हैं देयर समबडी इज इन डिप्रेशन, और वो सुसाइड आइडिएशन की तरफ भी जा सकते हैं उस सिचुएशन में। सोनम जी, एक चीज और समझना चाहेंगे कि तनाव और सेहत का संबंध क्या है? बहुत है आपका, अगर आप मेंटली, मेंटल हाइजीन की हम बात करें, हम फिजिकल हाइजीन की तो बात करते हैं, अगर हमारा मेंटल हाइजीन ठीक नहीं है, हम स्वस्थ नहीं हैं सोच से, तो उसका हमारे बॉडी पे भी बहुत इफेक्ट आता है, आपका काम, आपका लाइफस्टाइल, जैसे कि आपकी रिपोर्ट में भी है, लोग बहुत कंप्लेन करते हैं बहुत सारी चीज़ें, नेक पेन, बॉडी पेन, बहुत सिर दर्द हो रहा है, सोच से,
सिर्फ सोच से उनको स्टमक एक हो सकता है, दैट इज कॉल्ड साइकोसोमेटिक सिम्टम्स होते हैं, सोच से भी उनको काफी चीजें हो सकती हैं। तो डिजीज की अगर बात करें तो आजकल हार्ट ट्रबल काफी दिखाई देता है, तो क्या तनाव की वजह हार्ट ट्रबल हो सकता है या हार्ट ट्रबल की वजह तनाव हो सकता है? इट इज ऑल कनेक्टेड। आप किसी को एक रीजन नहीं दे सकते, बहुत लंबे समय से आप अपनी बॉडी को खुद ही इग्नोर कर रहे हैं और स्ट्रेस भी आ गया तो बॉडी अपना अपनी चीजें दिखाएगी। आपको हार्ट अटैक होगा क्योंकि आपने अपना ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो आपके मसल्स पहले से वीक हैं और आपने अभी टेंशन ले लिया तो हार्ट अटैक हो गया। मान लीजिए आप बहुत सीवियर कंडीशन में हैं तो हार्ट अटैक हो सकता है। तो देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस फॉर हैविंग एन हार्ट अटैक एंड अदर डिजीजेस आल्सो। स्ट्रेस से बहुत डिजीजेस हो सकती है क्योंकि हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, हैप्पीनेस हार्मोन जो होता है वो हमारा डाउन हो जाता है, जैसे हम डोपामाइन कहते हैं वो डाउन हो जाएगा, आप पूरा टाइम अंदर ही अंदर दुखी रहेंगे तो ऑब्वियसली उसका बॉडी पे भी काफी इफेक्ट आएगा। शिवराज जी, सोनम जी ने बात कही कि आप काफी टाइम तक जब दुखी रहेंगे तो उसका असर कहीं ना कहीं सेहत पर दिखता है, तो तनाव या दुखी रहने के पीछे वजह क्या कुछ लगती है आपको? ज्यादातर अब ये देखा जा रहा है कि जो वर्किंग है, जो काम करने वाली महिलाएं हैं या पुरुष हैं, उनमें ज्यादा तनाव देखा जाता है बनिस्बत जो घर में रहने वाले लोग हैं। देखिए, जैसे कि मैं बस्तियों में काम करता हूँ और महिलाओं और बच्चों के साथ भी मेरा पूरा जुड़ाव है उनपे, हम लोग जब तनाव में होते हैं तो हम कभी उसको ख़त्म करने की कोशिश ही नहीं करते, हम उसको और बर्डन ले लेते हैं कि नहीं अरे ये प्रॉब्लम थी ऐसा है, तो पहले से एक मानसिकता बना लेंगे कि नहीं वो तो हो ही नहीं सकता ठीक, यदि बाहर से कोई कर देगा तो ठीक है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती हूँ या कर ही नहीं सकता हूँ। तो ये चीज़ें हैं जो तनाव को बढ़ाती हैं। जबकि हम जब बच्चों से मिलते हैं तो सबसे पहले उनसे उनकी अच्छी चीज़ों को पूछते हैं और फिर उनको बढ़ाते हैं कि नहीं ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, ये तुमने और अच्छा कर लिया, तुम ऐसा और कर सकते हो। यदि वो कोई अपनी इश्यूज बताता है, समस्याएं बताता है कि मेरे साथ में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसको पर्सनली पहले पूछते हैं कि कैसे आया है और फिर उससे बात करते हैं कि अरे इसके कितने सारे रास्ते हो सकते हैं। तो सारे समस्याओं का समाधान तो उन्हीं के पास होता है, लेकिन सिर्फ उनको थोड़ा प्रेशराइज करने की जरूरत है, उनको बताने की जरूरत है कि बेटा ये आपके अंदर है और आप इसको कर सकते हो, सिर्फ आप नेगेटिव मत जाओ पॉजिटिव जाओ, क्योंकि पॉजिटिव एक थिंकिंग लाना ही डिप्रेशन को खत्म करने का सबसे बेस्ट तरीका है। बिल्कुल ममता जी, अपने पर ध्यान देना ये भी एक चीज है तनाव को दूर करने की, क्योंकि हमें सारी चीजें सारी परेशानियों को तो हम देखते हैं समझते हैं पर अपने आप को कहीं भूल जाते हैं, तो इसके लिए जैसा कि समय कम है, लोग योगा जैसी चीजों को कम समय दे पाते हैं, तो अगर जो इस तरह की परेशानियों से गुजर रहे हैं उन्हें सुबह शाम अगर किसी योग को अपने जिंदगी में शामिल करते हैं, अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं, तो किस तरह की चीजें कर सकते हैं? जैसे प्राणायाम में भ्रामरी प्राणायाम है, उसको उसका अभ्यास करें, वो हमको पॉजिटिविटी की ओर बढ़ाता है और हमारे अंदर हार्मोन्स के बैलेंस को मेंटेन करता है, तो वहाँ पर हमको हेल्प मिलती है। प्लस थोड़ा सा जैसा मैंने बोला कि मंत्र का उच्चारण अगर कोई आप कर सकते हो तो आप उसको अपना लें, वो कर सकते हैं, या जो भी आपके धर्म में हो आप उसको अपना लें और उसका आप जाप करें, एक वो तरीका है। दूसरा तरीका मैं ये बोलना चाहूंगी कि आपका जो इंटरेस्ट हो, जो आपके पुराने दोस्त हो, उनसे जरूर एक मुलाकात करिए, जिस मोहल्ले में आप पहले कभी रहते हो उधर उस मोहल्ले में जरूर एक विजिट करें, जिनको भी ऐसी प्रॉब्लम हो, तो आप देखिए एक रिफ्रेश फील करेंगे, क्योंकि वो जो मेमोरीज आपको रिकॉल होंगी वो आपको एनर्जी देंगी और पॉजिटिविटी देंगी। और आपका इंटरेस्ट अगर म्यूजिक है, डांस है, मूवी देखना है, जो भी आपका इंटरेस्ट हो, उस अपने इंटरेस्ट के काम को जरूर करें, इच्छाओं को न दबाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है इच्छाएं दबने से भी ये वाली पोजीशन खड़ी हो जाती है। तो अगर हम ये सारी चीजें करते रहेंगे, कुछ प्राणायाम कर लेंगे, सूर्य नमस्कार कर लेंगे, तो भी हम इनसे बच जाएंगे। सोनम जी, सीवियर कंडीशन में जो तनाव की होती है उससे किस तरह बचा जा सकता है, कुछ कम शब्दों में कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को? सीवियरिटी हम देखें तो सीवियरिटी कंडीशन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अवेयरनेस है सोसाइटी में, धीरे धीरे आने लगी है, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ एक धारणा और है कि सीधा साइकेट्रिस्ट अप्रोच रहते हैं, आप फैमिली डॉक्टर से मिले समझें पहले कि अप्रोच क्या लेना चाहिए, आपको कैसे जाना चाहिए, फैमिली में उस चीज़ की बात करें, अगर छोटे बच्चे हैं तो या टीचर्स या दे हैव टू चूज द ऑप्शंस, अपने फ्रेंड्स से बात करें, उसको धीरे धीरे रिलीज करें, एक्सरसाइज करें, जैसे कि मैम ने बहुत अच्छा कहा, आर्ट एक बहुत अच्छा टाइप है, ड्रामा, थिएटर, पेंटिंग, आप इन सब चीज़ों की तरफ जा सकते हैं। एंड स्पोर्ट्स में अगर आप एक्टिव हैं तो इफ़ यू आर देयर इन, तो इन चीज़ों को धीरे धीरे मिनिमाइज किया जा सकता है। बिल्कुल, काम तो
चलता रहेगा, काम का बोझ अपने ऊपर ना ओढ़े, तनाव से थोड़ा सा दूर रहे ताकि उनकी जिंदगी जो है वो थोड़ा आसान हो सके। बिल्कुल, आप सभी का हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारी इस चर्चा में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला डीएनएन पर लगातार जारी, आप बने रहे डीएनएन के साथ। बदलते दौर में बदल रहा है समाज और बदल रहे हैं सरोकार।